नमस्कार, आपका स्वागत है विकी इंडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव महाकाली के पैरों के नीचे आए थे। इनका रूप विकराल, डरावना और काला है। महाकाली के हाथों में त्रिशूल और गले में खोपड़ियों की माला है। उनके हाथ में कटे हुए राक्षसों के सिर से टपकता लहू एक पात्र में गिर रहा है। महाकाली का क्रोध इतना भयंकर है कि संसार की सभी शक्तियां भी मिलकर क्रोध को शांत नहीं कर सकती। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि क्यों आए भगवान शिव महाकाली के पैरों के नीचे। माँ दुर्गा का ही रूप है माँ महाकाली। माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे की कथा शास्त्रों में यह प्रचलित है। एक राक्षस ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान पा लिया था कि उस राक्षस की उनकी एक भी बूंद जमीन पर पड़ने पर उसके जैसे ही भयंकर अनेकों राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, और राक्षस ने इस वरदान का नाजायज फायदा उठाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ और वरदान के कारण उस राक्षस की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से उसके जैसे पैदा हो रहे थे अनेकों राक्षस। उन राक्षसों को भी एक भी बूंद गिरने से उसके जैसे और राक्षस पैदा होते जा रहे थे। इसीलिए देवता उस राक्षस का सामना ही नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के शरण में गए। माँ दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना पर महाकाली का रूप धारण किया। माँ महाकाली ने विकराल रूप धारण करते ही राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन वरदान के कारण राक्षस की बूंद गिरते ही उसके जैसे ही अनेक राक्षस उत्पन्न होते जा रहे थे। तब महाकाली ने अपनी जीभ को बाहर किया और राक्षस का खून महाकाली की जीभ पर गिरने लगा और राक्षसों की लाशों की ढेर लगती गई। उनका खून महाकाली पीती रही। राक्षस के अंत के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, तब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। महाकाली का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उसे शांत करना असंभव हो गया था। हर कोई उनके पास जाने से डर रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान महाकाली के मार्ग में लेट गए और जब महाकाली ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव महाकाली के चरणों के नीचे आ गए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।